Mandralam Bhajavani Biro Mandralam Rote Murani Mandralam Kunde Kundadyo Jene Dharemo Tu Mandralam. इस मंडला चरण में हमने सबसे पहले अब आचार्य के रूप में आचार्य कुंद कुंद को स्मरण किया है, अर्थात भगवान महावीर और गौतम गणधर के पश्चात हम आचार्य कुंद कुंद को स्मरण कर रहे हैं। ऐसे आचार्य कुंद कुंद ने 84 पाहुड़ लिखे थे, जिसमें से उनके 5 ग्रंथ पंच परमारम के नाम से फेमस हैं। समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय संग्रह, नियम सार और अष्टपाहुड़ 8 पाहुड़ों का संग्रह है। तो इस तरह से 8 और 4 12 ग्रंथ हो गए। उसमें से समय पाहुड़ जिसका प्रचलित नाम समय सार है, उसकी हमारी चर्चा चल रही है। समय सार का सार पूरे समय सार में आचार्य कुंदकुंद ने क्या कहा है संक्षेप में, उसकी चर्चा हम आचार्य कुंदकुंद और उनकी टीकाकार नामक ग्रंथ के आधार पर कर रहे हैं। इसमें हमारे बंध अधिकार चालू है, अर्थात 228 से 236 तक जो हमारे गाथाएँ हो रही हैं, 237 से बंध अधिकार चालू होता है, तो वो हमारा प्रकरण चालू है। तो ये अभी ये बताया था हमारे लिए पहले कि ज्ञानी के निर्जरा कैसे होती है, यानी जिसकी इच्छा नहीं है, वांछा रही जो ज्ञानी है उसको निर्जरा होती है, आगामी भोगों की जिससे इच्छा नहीं है ऐसे ज्ञानी को निर्जरा होती है। तो अब इधर बंध अधिकार में बता रहे हैं कि हमें कर्म बंध का मूल कारण क्या है। हमें बंध हो रहा है, हमें पता है कर्मों का बंध होता है, इससे संसार होता है। तो कर्म बंध का मूल कारण क्या है इस अधिकार में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले ये बताया है कि मोह राग द्वेष ही कर्म बंध के मूल कारण है। जिनके मोह राग द्वेष होता है उन्हें कर्म बंध होता है, जिनके मोह राग द्वेष नहीं होता है उन्हें कर्म बंध नहीं होता है। तो राग आदि रहित एक साथ पूर्ण रूप से राग आदि रहित नहीं होते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसकी एक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसके संपूर्ण कसाएँ विद्वान है, 25 कसाएँ कही गई हैं, तो उसको पूर्ण रूप से संसार का बंध होता है। तो जो ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म है उनकी 148 उत्तर प्रकृति होती है ना, भेद होते हैं। तो जब हम मोह राग द्वेष भाव करते हैं तो मूल प्रकृति रूप में और उत्तर प्रकृति रूप में हमें बंधते हैं, यानी उससे भेद प्रेद इसका समझ लीजिए बेदनी से हम समझें, 8 कर्मों में हमें 7 बेदनी का उदय हो रहा है अथवा 7 का हो रहा है। असाता से जल्दी समझ में आता है इसलिए मैंने असाता वेद नहीं लिया। तो अब 8 कर्मों में आपने जो अभी जो भाव कर रहे हैं उसे असाता वेदनी का आपको भविष्य में उदय आने वाला है। तो असाता वेदनी तो बहुत तरह की हो सकती है ना, एक तरह की तो होती नहीं है। तो मेरे को पेट में दर्द भी असाता वेदनी हो सकता है, मेरा लड़का बिगड़ जाए तो असाता वेदनी है, मेरे को पैसा का लॉस हो जाए तो है। तो किस टाइप का हमें पाप का उदय आ रहा है वेदनी में, किस टाइप का दुख आ रहा है, कभी मेरे पेट में दर्द हो सकता है, कभी सिर में हो सकता है, कभी तेज हो सकता है, कभी कम हो सकता है, कभी दर्द में सह सकती हूँ, कभी नहीं सह सकती हूँ, ये सब उत्तर भेद कहलाते हैं, यानी मूल भेद और उत्तर भेद। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे भी भाव करते हैं, तो प्रति समय हमें उससे कर्म का आश्रव होता है। पहले भावाश्रव हुआ, भावाश्रव द्रव्याश्रव हुआ, भाव बंध हुआ, द्रव्य बंध हुआ, ये इसका साइकिल है। तो जैसे जैसे हम राग भाव करते हैं वैसे वैसे हमें बंद होता रहता है। तो फिर राग भाव में मिथ्यात्व तो राग देश में सब शामिल हो जाते हैं। तो कुछ कसाएँ राग रूप हैं, कुछ देश रूप हैं, फिर कसायों के भी भेद हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, ऐसे और 9 कसाय ऐसे 25 भेद हैं। तो सम्यक दर्शन होते ही साथ अनंतानुबंधी क्रोध मान माया का बंध नहीं होता है, उतने अंशों समय दर्शन हुआ तो एक हमारे 25% अंश में हमारा राग अंश कम हुआ है। जितने अंशों में राग का भाव कम होता है उतने अंशों में हमारा बंद नहीं होता है, और दर्शन मोह का बिल्कुल बंद नहीं होता है, लेकिन चारित्र मोह का बंद होता रहता है। तो चारित्र मोह में भी स्टेप है, दर्शन मोह का उपशम 6 या 6 उपशम एक साथ होता है,
उसमें टर्म नहीं पड़ता है, दर्शन हो या जाएगा या रहेगा, या उपशम हो रहा है या रहेगा, क्षय हो रहा है या रहेगा, क्षय उपशम हो रहा है या रहेगा, लेकिन चारे तो मोह में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, ये अंतर आता है। तो दर्शन मोह तो एक साथ गया तो उतने हमें बंद होना बंद हो गया, तो इसे दर्शन मोह से मेजर बंद है, इसलिए कह देते हैं कि ज्ञानी सम्यक दृष्टि है तो उसको बंद नहीं होता है भोगों को भोगते हुए भी। ये चर्चा हमने ऊपर पढ़ के आए थे कि सम्यक दृष्टि को भोगों को भोगते हुए भी बंद नहीं है, क्योंकि राग भाव का उतने अंशों में अभाव है और मिथ्या दृष्टि को बंद होता रहता है। तो अब कौन सी क्रियाएं करता है जिनसे बंद होता है किससे नहीं होता है, एक चीज उसमें बता रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव की मान्यता कैसी होती है। अब हमें कहें कि मेरी मान्यता ऐसी है तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, जैसे आचार्य कुंकुंद ने कहा कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, अपना स्वभाव बताया, और मैं अपना शुद्धात्मा को अपना स्वभाव समझती थी, तो हमने कहा ना कि वो शुद्धात्मा में लीन रहती थी, तो उन्हें शुद्धात्मा की चर्चा की, तो बोले मेरा आत्मा की बात आती है, शुद्धात्मा की बात आती है, तो जागृत हो जाते कि वे अपनी बात कर रहे हैं। जैसे रवि मैं बोलूँ, पूजा जी बोलिए, मीना जी बोलिए, तो जिसका नाम लिया वो जागृत हो जाता है कि मेरी बात आ रही है, मुझे सावधान होना चाहिए, मुझे बताना है। तो हमारा पूजा में, मीना में, कविता में, अपने इनमें, इन नामों में हमारा अपनत्व है। आचार्य देव को किसमें अपनत्व था? शुद्धात्मा में अपनत्व था। शुद्धात्मा की चर्चा आई तो उन्हें एकदम से अपनापन की फीलिंग आई। तो ऐसी ही मिथ्या दृष्टि में हमें अपने पत्र की फीलिंग नहीं है कि मैं जो मानता हूँ, मैं पर को मारता हूँ, जिलाता हूँ, और कोई अपने आप को मिथ्या दृष्टि डिक्लेयर नहीं करना चाहता तो किसी के ऊपर उदाहरण क्यों घटाऊँ। तो मान लो रमेश, ऐसे हम जीवन में कहते हैं, देखते हैं ना लोगों को कि मैं दूसरे मुझे मार देंगे, मुझे बचना है, मुझे जिंदा रखने का, मुझे जिंदा रखना है, मारना उनके हाथ में, फांसी की सजा मिलने वाली है, तो मैं जिंदा रहूँगा, मर जाऊँगा, जज के हाथ में है, अने पर मुझे मारते हैं, बचाते हैं, सुखी दुखी करते हैं, मैं दूसरे को सुखी दुखी करता हूँ। ये जो हमारी मान्यता है ये सार्थक है कि निरर्थक है? बोले हमारी मान्यता है निरर्थक होने से मिथ्याएँ झूठी हैं। निरर्थक क्यों है कि नहीं देखो ये कोरोना वायरस आ गया ना, और कोरोना वायरस की कोई दवाई नहीं है, और जिसको लगता है मर जाते हैं। न्यूज में हम घर में सब सुनते हैं तो कुछ शब्द मेरे कानों में भी पड़ जाते हैं। अब मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है अभी तक कि कोरोना वायरस की दवाई नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। ये बात सच मानूं कि इतने मरीज ठीक हो गए कोरोना वायरस की, यदि उसकी कोई दवाई नहीं है, किसी देश के पास नहीं है, किसी को पता नहीं है, तो मरीज कैसे ठीक हुए? तो एक्चुअली में कोरोना वायरस था भी या नहीं था, तो कोरोना वायरस से ठीक हुए ये कथन गलत है, और यदि कोरोना वायरस से ठीक हो सकते हैं तो उसकी दवाई नहीं बनी है ये कथन गलत है। दवाई भी नहीं है, ठीक भी हो जाते हैं, तो कोरोना वायरस जिसको लगता है वो स्वयं भी मरता है, अपने घर वालों को सबको ले डूबता है, ये कथन गलत है। कितनी परस्पर विरोधी बातें आ रही हैं, हमें किसी को उसमें कोई सेफ नोबट नहीं हो रहा है, हम बिल्कुल शांति से वो सब बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं कि कोरोना वायरस, हम घर से बाहर निकले हमें कोरोना वायरस लग जाएगा तो हम मर जाएंगे, हम सब अपने घर में स्थित होते रह रहे हैं। तो विचार तो करो, जब ठीक हो सकते हैं तो हम भी ठीक हो जाएंगे, नहीं दवाई नहीं है तो कोई कैसे ठीक हो सकता है? अथवा जिनमें उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस था और दवाई नहीं है, तो फिर वो कोरोना वायरस था ही नहीं, जिसको लगता है वो ठीक होता ही नहीं है, यानी एक कुछ क्वेश्चन मार्क है। पर दुनियादारी के में तो हम विज्ञानों ने कहा है, टीवी पर न्यूज में आ रहा है, आंखों से देखा है, कानों से सुना है, बस सब सच्चा। पर हमारे आचार्य देव जिन्होंने झूठ ना बोलने की प्रतिज्ञा ली थी, उनके टसन पे हमें कई बार क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते, क्या यह सत्य है, क्या गलत है, ये कैसे संभव है? तो ये कह रहे हैं कि देखो क्या हम बताइए, कोई हमें सुखी दुखी कर सकता है? कोई हमें मार जला सकता है? नहीं, हम अपनी आयु लेकर आए हैं ना, तो फिर कोरोना से कैसे मर जाएंगे? हमें बीमार होना भी हमारे उसमें है ना कि हम बीमार हो सकते हैं, तो वो भी हमारे पूर्वबद्ध है ना, तो कोरोना से कैसे बीमार हो सकते हैं?
और पौरात्मा से बीमार होना लिखा है, हमारे पाप का उदय वैसा है तो कौन उसे बचा सकता है? अन्य ना हमें कोई सुखी कर सकता है, ना दुखी कर सकता है, कोई दूसरा मुझे मारते हैं, जिलाते हैं, सुखी दुखी करते हैं, ये सब मान्यताएँ निरर्थक हैं, मिथ्या हैं। क्यों? सभी आयु प्रमृति क्षय से मरते हैं, आयु प्रमृति उदय से जीते हैं, इसी प्रमृति उदय से सुखी दुखी होते हैं। सुखी दुखी होते हैं मतलब इसी प्रमृति उदय से, मतलब इसी प्रकार और भी हमें प्रमृति उदय आते हैं, यानी जो आठ प्रकार के कर्म हैं उनमें हम सुखी दुखी होते रहते हैं। और हम ना हम कोई हमारे आयु क्रम को कम कर सकता है, ना कोई हमें बढ़ा सकता है, ना उसे मैं हरण कर सकता है। हमें लगता है कोई हमारा अपहरण हो जाएगा, आयु क्रम का अपहरण भी नहीं होता है, ना आयु क्रम दे सकता है। यानी जब यदि हमें हम कहते कि हमें इस पर जनवाणी पर पूर्ण श्रद्धा है, इस पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण विश्वास हो, तो हम मरने से डरे ही नहीं। तो मैंने मारा, मैंने जिलाया, इस तरह की जो मान्यता है वो अज्ञानी की मान्यता है। वस्तुता क्या है? जी प्रमृति उदय से जीते हैं, प्रमृति उदय से मरते हैं, और सुखी दुखी भी अपने अपने प्रमृति उदय से होते हैं। और कोई किसी को न मार सकता है, न जिता सकता है, न सुखी दुखी कर सकता है। अब प्रमृति उदय से सुखी दुखी हम होते हैं क्या? विचारनी बात है, सोचनी बात है। यहाँ टर्मेटा उदय हुआ पर उसमें सुखी दुखी होना हमारे हाथ में है, वो कंपल्सरी नहीं है कि हम टर्मेटा उदय में सुखी दुखी हों। यदि टर्मेटा उदय जैसा आया, पाप का उदय आया और हमें दुखी होना कंपल्सरी हो, पुण्य का उदय आया और हमें सुखी होना कंपल्सरी हो, यदि ऐसा कंपल्सरी हो तो कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, कभी मोक्ष नहीं जा सकते हैं। अब पाप का उदय आया, उसे पाप रूप भोगना है नहीं भोगना वो मेरे हाथ में है, पुण्य का उदय आया उसे सुख रूप भूटना दुख रूप भूटना वो मेरे हाथ में है। कुछ लोग पुण्य के उदय में भी पाप का अनुभव कर लेते हैं, कुछ पाप के उदय में भी पुण्य का अनुभव कर लेते हैं। अब पाप पुण्य की डेफिनेशन क्या? पाप के उदय पुण्य के उदय की डेफिनेशन क्या? कि जैसे 1,000 रुपये मिले वो पुण्यात्मा, तो 1,00,000 रुपये मिले वो पुण्यात्मा, और जैसे कुछ ना मिले वो पुण्यात्मा। क्या आपने कहा जैसे कुछ ना मिले वो पुण्यात्मा, तो या वो तो पापात्मा, जैसे कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं तो मुनिराज तो पैसों की चाह नहीं है, तो पुण्यात्मा है क्या पापी है? और हमें 1,00,000 रुपये की चाह थी और 1,000 मिले, और किसी को 100 रुपये की चाह थी और 1,00,000 रुपये मिल रहे, 1,000 रुपये मिल रहे। तो 1,000 रुपये 1,000 रुपयों में सुख दुख नहीं है, हमारी चाहत क्या है? मेरी चाहत 50 रुपये, जैसे बच्चे को जब हम छोटे थे ना तो 5 पैसे नोट रुपये 5 पैसे रोज हमें मम्मी पापा देते थे, तो तुम्हारी मर्जी है इस तरह तुम्हें जो कुछ खरीदना हो खरीदो, और सेव करना तो सेव करो, जो करना हो करो। उस जमाने की बात है जब 5 पैसे में भी चीजें आ जाती थी, अब तो 5 पैसे के सिक्के भी चलने बंद हो गए हैं, है ना? तो वो 5 पैसे में हम बच्चे थे तो बहुत खुश हो जाते थे, आज 5 रुपये मिलेंगे तो हम खुश नहीं होते हैं। क्यों? कि अब हमारे उस समय 5 पैसे मिलना भी हमारे लिए बहुत काम था, कभी मिलते थे कभी नहीं मिलते थे, तो हम 5 पैसे में खुश हो जाया करते थे। आज बच्चे भी देखो ना, एक टॉफी में खुश हो जाया करते हैं, हमारी चाहतें बढ़ गई हैं। तो अब 5,000 और 5,00,000 भी हमें कम पड़ते हैं, और किसी को 5 करोड़ और 5 अरब भी कम पड़ते होंगे। जो अरबपति है उसे 5 अरब कम पड़ते हैं, जो खरबपति है उसे 5 अरब कम लगते हैं, जो करोड़पति है उसे 1 करोड़ कम लगते हैं, जो लखपति है उसे 1,000 कम लगते हैं, और जो अभी ये मोदी जी कह रहे हैं हम सबको 500-500 रुपये देंगे, तो आप कह 500 रुपये से होता क्या है? अभी एक बार बाहर जाओ तो 1,000-2,000 तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, तो हमें कोई 500 रुपये दे तो हमें लगता है उससे होता क्या है? तो पैसे में ना सुख है दुख है, हमारी मान्यता में सुख और दुख है, हम किसमें खुश होते हैं और किसमें दुखी होते हैं। अब हमें लग रहा था कि पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग हुआ, तो उपसर्ग हुआ तो पुण्य के उदय से तो नहीं हुआ होगा। अरे मेरे सिर में दर्द है और मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो पाप का ही उदय है ना, तो पर उदय आया पाप का, पर उन्होंने उसे पाप रूप नहीं भोगा, उन्होंने क्या किया? उस पाप के उदय पर ध्यान नहीं दिया, आगामी पाप का बंध नहीं किया, उसका प्रतिकार नहीं किया, और अपने में चले गए, अपने में चले गए तो सारे पुण्य कट गए और तुरंत उनको मोक्ष हो गया। कदाचित उपसर्ग नहीं होता तो वो और थोड़े से दिन ध्यान में रहते, उपसर्ग आया इसलिए वो उग्रता से अपने अंदर चले गए,
अरे नहीं भाई ऐसा नहीं है, उनके मोक्ष जाने का केवल ज्ञान होने का काल पड़ गया था और उपसर्ग होना निमित्त था, उन्हें तो उसी समय जाना था, उसी समय उपयोग अंदर में जाना था, पर उपसर्ग के निमित्त से अंदर गया। तो जैसा होना होता है वैसे बाहर चीज़ें भी हमें अनुकूल या प्रतिकूल वैसे मिलती रहती हैं। तो पाप का उदय आया, पाप के उदय में उन्होंने पाप बंद नहीं किया, पाप को पाप रूप नहीं भोगा, उसे पाप के उदय को भी पुण्य में परिवर्तित कर लिया, धर्म में परिवर्तित कर दिया और उनको मोक्ष हो गया। तो नहीं, वो तो भगवान थे, भगवान होने वाले थे, इसने कर लिया, हम तो छोटे लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। नहीं, हम पाप का उदय आए या पुण्य का उदय आए, भोगना हमारे हाथ में है कि हम उसे किस रूप में भोगते हैं, पाप रूप में या पुण्य रूप में। यही साइकिल टूटा जा सकता है कि हम नया आगामी बंधन ना करें। तो इसलिए कोई दूसरा ना मुझे सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता है, हमारे उदय में हम ही सुखी और दुखी होते रहते हैं। अब अज्ञानी जीव की क्या मान्यता है, मैं पर को सुखी दुखी करता हूँ, ये जो मान्यता है, मान्यता बंध का कारण है। पर मैं कुछ कर सकता नहीं है, नहीं कर सकता है, पर मैं करने का भाव हम कर सकते हैं, उस ज्ञान के कर्ता हमें, ये पूरे कर्ता कर्माधिकार की थीम ये है। पर द्रव्य में तो हम जीव द्रव्य को कर नहीं सकता है, पर के में कुछ करने का जो भाव है उस ज्ञान के कर्ता हम हैं। तो वो हमारी जो मान्यता है उसे मान्यता में से निकालना है। हमारी जो मान्यता है वो बंधन का कारण है, मान्यता में कैसे निकालना। मैं आपसे यार पूछूं कि कल रात मेरे को स्वप्न में 102 डिग्री बुखार आया। अब यहाँ पर कोरोना वायरस का चल रहा है तो डॉक्टर्स मिल नहीं रहे हैं, तो आपके मीना जी आपके पहचान में कोई ऐसा डॉक्टर है अपने क्लास में जिससे फोन करके मैं दवाई ले लूँ और मैं ठीक हो जाऊँ? हैं तो भैया भले आप दुबई में हो तो क्या अंतर पड़ता है, मैं तो फोन पे ही कह रही हूँ ना, तो आपके पहचान कोई अच्छे डॉक्टर होंगे क्या? कि हैं डॉक्टर अच्छे पहचान की, लेकिन वो आपको बुखार होता असली में तो असली बुखार की दवाई वो बता सकते थे। आपको सपने में बुखार हुआ था तो सपने के बुखार का इलाज स्वप्न टूटना है, कल्पना में बुखार हुआ है तो उसका इलाज कल्पना से बाहर आना है, उसके लिए कोई दवाई नहीं है। तो आपने अपनी मान्यता में ये माना था मैं सुखी दुखी कर सकता हूँ, तो मान्यता को निकालना आपके हाथ में है, पर को सुखी दुखी करना आपके हाथ में नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि हाँ, ये हमारी मान्यता है, मैं पर को सुखी कर सकता हूँ, दुखी कर सकता हूँ, मान सकता हूँ, जिला सकता हूँ। तो इनको अध्यवसान, अध्यवसान के कारण ही पाप पुण्य का बंद, पाप पुण्य का बंद होता है। अध्यवसान शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पे पहले पहले भी आया है। तो अध्यवसान के मुख्य रूप से तीन अर्थ हैं, और इसे जब आप मूल ग्रंथ पढ़ेंगे, यहाँ मैंने अध्यवसान शब्द का ही प्रयोग किया है जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, पर मूल ग्रंथ मूल टीका पढ़ेंगे तो उधर अध्यवसाय शब्द भी आता है। तो हमारे में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जब डिटेल में जाना होता है तो मूल ग्रंथ में देखते हैं, तो प्रश्न खड़ा होता है कि अध्यवसाय और अध्यवसान में कुछ भेद है या नहीं है, अध्यवसाय का क्या अर्थ है और अध्यवसान का क्या अर्थ है। अध्यवसाय और अध्यवसान में अर्थ भेद नहीं है, दोनों ही पर्यायवाची हैं। और अध्यवसान शब्द आचार्य कुंदकुंद ने तीन अर्थों में प्रयुक्त किया है। पहला, स्वपरची एकत्व बुद्धि पूर्वक होने वाले मिथ्या अभिप्राय के अर्थ में, है ना, स्व में और पर दोनों में है एकत्व बुद्धि का जो अध्यास हुआ है, भ्रम हुआ है, उसमें हमने हमारा जो मिथ्या अभिप्राय है कि हम दोनों एक हैं, शरीर ही मैं हूँ, अभी मैं खाती हूँ, देखो अभी क्या कोरोना वायरस का ये हुआ ना, तो बस घर में बहुत खाना पीना, दिन भर खाते पीते रहो और गतिविधि बंद हो रही है, तो बहुत ज़्यादा वजन बढ़ना शुरू हो गया था, हम मोटे हो रहे हैं। कौन मोटा हुआ हो, आत्मा मोटी हुई है कि शरीर? नहीं, मैं ही मोटी हुई हूँ, अब मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। किसका? अपने शरीर का। कैसे? कि भाई मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे घूमने जाना है तो मैं दुबली होंगी, डाइटिंग करना पड़ेगा, ये सब मुझे करना पड़ेगा ना, मैं करती हूँ ना, मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ऐसा हो जाती हूँ ना। तो ये हमारी जो कर्तृत्व बुद्धि अपने प्रति, पर के प्रति, कि अरे अब तो बच्चों को अच्छे से ध्यान दे सकेंगे कि हम घर में हैं, पहले इतना ध्यान नहीं दे सकते थे। तो ये हमारी जो कर्तृत्व बुद्धि है, ये अध्यवसान के कारण है। तो इन्हें मिथ्या अभिप्राय है ये हमारा, इस अर्थ में अध्यवसान शब्द का प्रयोग किया है।
दूसरा सामान्य परिणाम, सामान्य रूप से चेंज अर्थ में भी इसका प्रयोग किया है। हाँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था, तो दो तरह के अर्थों में इसमें प्रयोग किया गया है। और तीसरा है निर्मल परिणाम के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया गया है। तो जब हमें प्रयोग करेंगे, जहाँ जिस अर्थ में प्रयोग हो वहाँ वैसा समझ लेना चाहिए। अध्यवसान शब्द आएगा जहाँ मिथ्याभिप्राय के अर्थ में है, जहाँ सामान्य पर्याय के अर्थ में है, जहाँ निर्मल पर्याय के अर्थ में है, वो हमें अपनी बुद्धि से लगाना पड़ेगा, ये वो वहाँ पर देखना पड़ेगा। जैसे कि लव, प्रेम, प्यार, एक शब्द है लव, पर हिंदी में इस लव के अनेक अर्थ हैं। इंग्लिश में पत्नी के लिए कहना हो तो आई लव यू, भाई के लिए कहना हो तो आई लव यू, माता पिता के लिए कहना हो तो आई लव यू। हिंदी में ऐसा भेद नहीं है, ऐसा नहीं है समानता, भेद सॉरी, हिंदी में ऐसी समानता नहीं है, हिंदी में भेद है। भाई बहन का हो तो स्नेह बोलते हैं, माँ बेटे का हो तो ममता बोलते हैं, पति पत्नी का हो तो प्यार बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे हिंदी में शब्द उनके जो हैं विभिन्न भिन्न शब्द हैं, और भिन्न भिन्न शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। पर इंग्लिश में तो हर एक के लिए आई लव यू। अब मैंने कहा कि इंग्लिश में तो आई लव यू हुए, तो इससे मेरे को ये समझ में आया मैं थोड़ी इंग्लिश में कमजोर हूँ। तो ऐसे सुनते सुनते मैंने अपने मन में बना लिया कि ये लव करते हैं तो मतलब माता पिता, भाई बहन, लिविंग थिंग के लिए लव शब्द का प्रयोग होता है। और जैसे मैंने कहा कि मैं लाइक पसंद करती हूँ, तो मेरे खाने में क्या पसंद है, तो आई लाइक टी कॉफ़ी, जो मैं तो डिसलाइक करती हूँ टी कॉफ़ी, आई लाइक इडली। अरे कोई भी खाने लेती है कोई स्वीट बता दिया, तो अरे नॉन लिविंग थिंग के लिए लाइक करते हैं और लिविंग थिंग के लिए लव करते हैं। मैंने अपने दिमाग में ऐसी मान्यता बिठा ली थी, और शायद मेरे ज़माने में ऐसा था भी, पर मेरी दोहती है आई लव पास्ता। मैं उससे पूछती हूँ पास्ता तो लव कैसे करती हो, और आई लाइक नानी मैं लाइक करती हूँ आपको। अरे भाई तुम मुझे तो लव करो और पास्ता तो लाइक करो, ये उल्टा पुल्टा क्यों करने लगे। तो हिंदी में ये सब बेटे शब्दों के लिए व्यवस्थित शब्द थे कि आप नॉन लिविंग थिंग है तो उन्हें हम कैसे क्या बोलते हैं, पसंद करना बोलते हैं, लिविंग थिंग है तो उन्हें चाहते हैं, उनके एक एक शब्द के एक एक अर्थ थे और उन शब्दों में वैसा प्रयोग होता था। तो ऐसे ही शब्द एक है उनके अर्थ अलग भिन्न भिन्न प्रयोग होते हैं। पर दुनिया में हम होशियार हो रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, किस वजह से, अभ्यास की वजह से। तो हमें ये सुनते हैं लाइट और लव हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम धर्म के क्षेत्र में अनविद्ध हैं, अनाड़ी हैं, बाल हैं, तो इसलिए हमें उसमें फर्क पड़ता है। तो अब ये कह रहे हैं इसमें शायद चार दिन का महीने में, अब इसमें ये बता रहे हैं कि अध्यवसान शब्द का प्रयोग है, अध्यवसानों के कारण ही पाप पुण्य का बंध होता है। पेज नंबर ये आचार्य कुंदकुंद टीकाकार का 85 नंबर पेज पर सेकंड पैराग्राफ चल रहा है अपना। यदि अध्यवसान है तो जीव को मारो या ना मारो बंध निश्चित हो रहा। इसी प्रकार हिंसा के समान ही झूठ, चोरी, कुशील एवं परिग्रह में भी जो अध्यवसान है उससे पाप का बंध होता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह में जो अध्यवसान है वह पुण्यबंध का कारण है। देखो यहाँ पुण्यबंध का कारण है, उधर भी अध्यवसान बोला है, पापबंध का है उधर भी अध्यवसान बोला है। तो सामान्य परिणाम के अर्थ में भी हो गया है, पाप के अर्थ में भी हो गया है, पुण्य के भी अर्थ में हो गया है। तो इस पैराग्राफ में ये पाप और पुण्य दोनों के अर्थ में अध्यवसान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये कह रहे हैं इसे हमें, हम पहले इतने नाम बोले हैं मोह, राग, द्वेष, फिर रसाय, फिर प्रमाद, मिथ्यात्व, अवरति, अज्ञान, उस सब के लिए कॉमन नाम दे दिया है अध्यवसान। तो अध्यवसान ही कर्मबंध के कारण है। अध्यवसान के निमित्त से ही हम ऐसा मानते हैं कि मैं बनता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, और ये मान्यता सहज ही मिथ्या सिद्ध हो जाती है। हम मोक्षमार्ग में स्थित जीव हैं, कर्म से छूट जाते हैं। कैसे छूट जाते हैं, जब आत्मा का अनुभव करते हैं तो छूट जाते हैं। अध्यवसान के कारण ही जीव ये जो भाव कर रहे हैं हम, इनके कारण जीव चारों वृत्तियों में ढूंढता है, पर को अपना करता है, अपने को पररूप मानता है, तो चारों वृत्तियों में ढूंढता है। अब पेज नंबर 86 पर आ जाइए, सेकंड पैराग्राफ। इसके अध्यवसान पर कितने पर्यायवाची नाम है, बुद्धि, व्यवसाय, मति, विज्ञान, चित्त,
परिणाम और अध्यवसान ये सभी एकार्थवाची हैं। गाथा 271 में इसे पर्यायवाची नाम दिए हैं। क्यों बता रही हूँ, जैसे आचार्य कुंकुंड बाबा कहते हैं ना कि जिनेन देव ने कहा है, तो इसलिए मैं भी बता रही हूँ कि ये मैं मेरी तरफ से नहीं बता रही हूँ, आचार्य कुंकुंड ने मूल गाथा में ये बात बताई है कि अध्यवसान के इतने शब्द पर्यायवाची हैं। अब इसके पास चर्चा चल रही है कि इन अध्यवसान भावों से हम मुक्त कैसे होते हैं। तो जो अज्ञानी अज्ञान की क्रिया करता है, तो जब निश्चय के आश्रित अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में आश्रित होता है, तो अर्थात आत्मा में लीन होता है, आत्म ध्यान करता है, आत्मा में स्थित होता है, फिर लीन होता है। मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ, पहले स्थित होता है फिर लीन होता है, इन दोनों में अंतर है, स्थित होना और लीन होना। पहले समय में लीन होने को स्थित होना कहते हैं और दूसरे समय में स्थित होने को लीन होना कहते हैं। यानी कोई चीज़ पहले समय में हुई, स्थित होना, अने आत्मा में पहले समय में जाना अपने आप को, स्थित होना, और लगातार उसे जानते रहे तो वो लीन होना कहलाता है। तो निश्चय ऐसे आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, अने आत्मलीनता की जो स्थिति है, जो आत्मा में हम स्थित हुए हैं, लगातार लीन रहे हैं, वही ज्ञान है, वही दर्शन है, वही चारित्र है, वही संवर है, वही योग है, वही प्रत्याख्यान है। और विभ्यार से आचार अंडी शास्त्र ज्ञान है, जीवादि तत्व दर्शन है, और छह जीव निकाय चारित्र है। यानी निश्चय समय दर्शन और व्यवहार समय दर्शन में क्या अंतर है, ये दूसरे पैराग्राफ में बता दिया गया है। यानी आत्म ध्यान वाली जो स्थिति है, बस वही समय दर्शन, वही समय ज्ञान, वही समय चारित्र, और व्यवहार से उसमें भेद पड़ते हैं, ये संक्षेप में इन्होंने ये चीज़ बता दी रही है। तो जब हम आत्मा में स्थित हुए, तो भावाश्रव क्या कहा था, मोर आदेश भाव की उत्पत्ति आत्मा में होना। तो जो मोह भाव उत्पन्न हुए आत्मा में तो क्या हुआ, भावाश्रव। तो आत्मा में लीन हुए तो मोह भाव उत्पन्न नहीं हुए, तो भावाश्रव नहीं हुए, यानी आश्रव नहीं हुआ, अर्थात संबर हुआ। तो यही संबर हो गया। योग क्या है, यानी मन वचन काय हमारा दूसरी तरह नहीं जाना, मन वचन काय की चंचलता नहीं होना। तो मन वचन काय आत्मा में ही स्थित हो गया, तो यही योग हो गया और यही त्याग है। तो जैसे कि हमने नमोटार मन पढ़ते समय समझा था ना कि नमोटार मन पढ़ते समय सब पापों का नाश होता है। कैसे नाश होता है, कि जिस समय नमोटार मन पढ़ते हैं उस समय हम कोई पाप करते नहीं हैं, जिस समय हम नमोटार मन पढ़ते हैं उस समय हम कोई पाप करते नहीं हैं। तो उसका क्या मतलब है, कि उस समय हमारे भाव दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे जब आत्मलीनता वाली स्थिति होती है तो उस समय क्या होता है, कि हम दूसरे कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वही त्याग हो गया ना, पर भाव का नहीं करना, पर मैं नहीं लेना, तो प्रत्याख्यान हो गया, त्याग हो गया। तो इस तरह से इन्होंने बता दिया है, आत्मलीनता स्थिति दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, वही प्रत्याख्यान है। अब इसके पश्चात इन्होंने बताया है कि शुद्ध स्वभाव के कारण आत्मा परटा परिणमन स्वभाव है, और शुद्ध स्वभावत्व के कारण अपने आप ही राधादि रूप नहीं परिणमता है, ये बताया है। तो जब शुद्ध स्वभाव में लीन होता है तो नेचुरल रूप से राधादि भाव में परिणमन नहीं होता है, और जब परदबटा निमित्त होता है, सिद्ध भाव से च्युत होता है, तब राधादि रूप परिणमित होता है। तो अज्ञानी अपने कर्मोदय से होने वाले भावों को अपना मानकर, अपना समझकर राधादि से प्रसाद रूप परिणमता है, अतः उनका कर्ता होता है और बार बार आगामी कर्मों को बांधता है। एवं ज्ञानी राजदेश और टसाय कर्मोदय से होने वाले भावों को स्वयं नहीं करता, ना ही उन रूप परिणमित होता है, तो वह उनका करता नहीं है, तत्फलस्वरूप उसे बंध भी नहीं होता है। अब इसमें एक बात आई है, अप्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, इनके चर्चा थोड़ी सी लंबी है, तो थोड़ा सा इसे जो अपन ने पढ़ा इसमें कोई आपके डाउट हो कुछ हो तो आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, किसे कुछ पूछना है, फिर हम इस चीज़ अप्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान की चर्चा कर देंगे।